सीहोर के छावर में पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष अजय तेजी और आईटी सेल प्रभारी मोहित को गिरफ्तार किया है। दोनों नेताओं पर मोबाइल चोरी का आरोप है। मामला इछावर थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अनिल मालवीय नामक व्यक्ति ने भाजपा युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष अजय तेजी और आईटी सेल प्रभारी मोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वह साइकिल से डेयरी पर दूध देने जा रहा था, तभी रास्ते में भाजपा युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष अजय तेजी और आईटी सेल प्रभारी मोहित ने उसका मोबाइल उठाकर भाग गए। वहीं इछावर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं संबंध में भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। शिकायतकर्ता बिछोली ग्राम का निवासी है अनिल मालवीय। उसने शिकायत की थी कि वो जब डेयरी पे दूध देने के लिए आ रहा था तो उसने अपना मोबाइल साइकिल पर रखा और शौच क्रिया करने के लिए गया था, तभी उसका मोबाइल वहाँ से एक पल्सर गाड़ी पे दो लड़के निकले और उन्होंने उठा लिया था। उसकी इस रिपोर्ट पर चोरी का प्रकरण कायम किया गया और मोबाइल जब्त किया गया। अजय तेजी इछावर और मोहित भट्ट इछावर। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।